फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि PBR 322 की है, जो कि लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊँगा कि आप कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक दो राउंड गोले बना लीजिए आप सबसे पहले, ठीक है। अब जैसे कि हमको पता है कि इसमें 8 सेगमेंट्स मतलब 8 जैसे कॉलम्स हैं, तो हम सबसे पहले लेंगे वी, यहाँ पे लिख लीजिए आप V8, ठीक है। V8 और उसके साथ लिख लीजिए OR, ठीक है, OR। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, विक्ट्री से याद रख सकते हैं, विक्ट्री और, ठीक है, आप इसे याद ऐसे रख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक वी वाला सा, इधर से एक वी वाला साइन बना लीजिए, ठीक है, वी वाला साइन बना लीजिए आप ऐसे। इसके बीच में आपको 4 कॉलम रखने हैं, ठीक है, 4, 1, 2, 3, 4। अब बाकी जगह भी आप 4 बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये 4 बन गए। अब आप इनको, आपको करना है यहाँ पे सबसे पहले कट लगा देना है, इस पर कट लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर है, सबसे पहले आपको जो सबसे पहले जो आपकी वो थी, आपको यहाँ पे नंबर लिख लेना है, 1, 2, 3, 4। याद रखिए इसमें नहीं लगना है, ये जो भी साइन बनाया उसके बाहर उस पर नंबर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर है जो आपको सबसे पहले जो आपने बोला था कि ओ, अब जैसे विक्ट्री का तो अपने सबसे पहले अपने बना लिया V8 बना लिया, उसके बाद ओ आ रहा था, तो सबको आपको ओ लिखना है यहाँ पे, ओ ओ, तो ओ से आएगा ORI, ठीक है। उसके बाद आपको एक काटना है, फिर सेकंड काटना है, उसको यहाँ पे आपको लिखना है आर, तो ओ आर था ना आर, तो आर से आप याद रख सकते हैं रोप, ठीक है, रोप, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे एक और रहता है पी, जो ये वाला है जो PBU सेकंड, तो उसे हम बाद में देखेंगे। अब आप ऊपर आ जाइए, ऊपर आने के बाद सबसे पहले इसके बाद आपको एक छोटी सी स्टोरी याद रखनी है जो कि मेरे लिए बहुत आसान था क्योंकि मेरे स्कूल से रिलेटेड थी, तो आप भी शायद अगर आपको इसे याद रह जाए तो आप याद रख सकते हैं। आपको यहाँ पे PST है ना, तो PST फर्स्ट है, तो आपको याद रखना है फर्स्ट, याद रखना फर्स्ट, ठीक है। अब PVU 1, तो मेरा मेरा स्कूल का नाम था प्रोविडेंस, प्रोविडेंस, तो मुझे PV से याद रखता है प्रोविडेंस फर्स्ट, मतलब मेरा फर्स्ट क्लास में मैं था प्रोविडेंस में, ठीक, फर्स्ट क्लास में था मैं प्रोविडेंस में, ठीक है। उसके बाद जब फर्स्ट क्लास में एक सब्जेक्ट होता था हिंदी सेकंड, ठीक है, हिंदी थर्ड, ठीक है, तो उससे याद रहेगा कि फर्स्ट क्लास में एक सब्जेक्ट था हिंदी थर्ड, और साथ में जैसे इकोराई है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इकोराई यहाँ पर रहता है क्योंकि मोस्ट कॉमन है, तो आपको थर्ड में इकोराई रहता है, उसके बाद हिंदी सेकंड। तो आपका बोला फर्स्ट स्कूल था प्रोविडेंस, ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट, उसके बाद आप आए फर्स्ट क्लास में, तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप फर्स्ट क्लास में हो, फर्स्ट क्लास में हो आप, फर्स्ट क्लास में आपने स्टार्ट किया, फर्स्ट आपका स्कूल प्रोविडेंस है, उसके बाद आप फर्स्ट क्लास में आपका हिंदी थर्ड एक सब्जेक्ट था, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ आता है बैम, तो बैम H1 और सेल वन, तो बैम, तो आप बैम से ऐसे याद रखते हो, जिससे जो हिंदी जो सब्जेक्ट रहता है, हिंदी जो सब्जेक्ट रहता है, तो उसमें जनरली क्या है कि अपन क्या है, जैसे हिंदू गॉड है ब्रह्मा, तो उससे अपन इसको जोड़ सकते हैं कि हिंदी, वो हिंदी में बात कर सकते हैं, तो बैम 1, तो हिंदी के बाद क्या आ जाएगा, ब्रह्मा जी। उसके बाद जो सैल है, तो मैंने ऐसे याद किया था कि मेरी जो टीचर थी उनका नाम सैलवी था टीचर का, तो मैंने सैल की ऐसे याद रखा, तो आप कुछ भी ऐसे बना सकते हो, ठीक है। थैंक यू, अगर आपको समझ में आया तो।